हेलो एवरीवन आई एम प्रियंका गौर वेलकम टू लर्निंग विद पेस तो आज हम कर रहे हैं क्लास एट की सिविक्स एंड दिस इज चैप्टर नंबर थ्री द चैप्टर नेम इज़ व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट इसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया एंड दिस इज सेकंड पार्ट जो हम यहां से स्टार्ट करेंगे द रोल ऑफ द पार्लियामेंट से अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मैंने वहाँ पर प्रीवियस वीडियो लिंक करके डाला हुआ है यू कैन इजीली एक्सेस ऑन दैट सेशन और आप मुझे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एक बार चेक जरूर कर लेना आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं एंड आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जिसे हिंदी में संसद कहा जाता है इट इज़ द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन दैट मीन्स जितने भी कानून बनाने वाले इंस्टीट्यूशन है जितने भी लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है उसमें सबसे सुप्रीम है पार्लियामेंट एंड द पार्लियामेंट इज़ कम्प्राइज ऑफ टू हाउसेज दैट इज़ राज्यसभा एंड लोकसभा मतलब जो पार्लियामेंट है ये टू हाउसेस से कंप्राइज़ है राज्यसभा से एंड लोकसभा से और इन दोनों हाउसेज के बारे में पढ़ते हैं राज्यसभा को काउंसिल ऑफ़ स्टेट्स कहा जाता है एंड लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है रीज़न ये है कि राज्य मतलब स्टेट तो इसीलिए आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं राज्यसभा दैट मीन्स काउंसिल ऑफ़ स्टेट्स एंड लोकसभा लोक का मतलब होता है आवाम जनता रीजन तो इसी वजह से इसे हाउस ऑफ़ पीपल कहा जाता है तो लोक मतलब पीपल ओके okay? तो कंफ्यूज मत होना आप जो राज्यसभा है इसमें टोटल स्ट्रेंथ होती है मेंबर्स की 245 एंड लोकसभा में कितनी होती है 545 फोर्टी फाइव ओके तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए डिफरेंस बहुत बार पूछे जाते हैं एंड जो राज्यसभा है दैट इज प्रिजाइडेड बाय द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया और अगर लोकसभा की बात करें दैट इज़ प्रिजाइडेड बाय स्पीकर तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर पिक्चर्स में दिखाया गया है ये है राज्यसभा और ये है लोकसभा तो राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं 245 फोर्टी हैं और ये प्रिजाइड होती है वाइस प्रेसिडेंट से अगर हम करंटली बात करें तो करंटली वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कौन है वो हैं एम वेंकई नायडू ओके और ये है लोकसभा लोकसभा को क्या कहा जाता है हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है जो कि है इस थर्ड पिक्चर में दिखाया हुआ है एंड लोकसभा में जो टोटल मेंबर हैं वो कितने होते हैं वो होते हैं फाइव फोर्टी फाइव और अगर हम करंट लोकसभा स्पीकर की बात करें वो है ओम बिरला राइट right? तो आप इन दोनों की पिक्चर्स देख सकते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट है एंड जो स्पीकर है तो आपको ईजिली Uh, आप डिस्टिंगविश कर पाओगे और एक समझ जो है वो आपके uh, बैठ जाएगी आपके दिमाग में क्योंकि क्या होता है कि जब हम पिक्चर से रिलेट करते हैं चीज़ों को तो हमें ईज़िल याद हो जाते हैं प्लस वाइस प्रेजिडेंट और प्रेजिडेंट में कन्फ्यूज़ मत होना जो प्रेजिडेंट है वो है रामनाथ कोविंद और जो वाइस प्रेजिडेंट है वो है एम वेंकैया नायडू ओके तो इसमें बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ओके द रोल ऑफ पार्लियामेंट पढ़ते हैं क्रिएटेड आफ्टर नाइनटीन फोर्टी सेवन दैट मीन्स जो पार्लियामेंट है वो कब बनी है आफ्टर नाइनटीन फोर्टी सेवन मतलब इंडिपेंडेंस के बाद में एंड द पार्लियामेंट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ पार्लियामेंट क्या है ये एक एक्सप्रेशन है किस चीज़ का लोगों के विश्वास का एंड ये विश्वास किस चीज़ में इन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी कि जो इंडियन पार्लियामेंट है ये रिप्रेजेंट करता है लोगों के विश्वास को कि लोगों का विश्वास है डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स में डेमोक्रेसी में विश्वास है और डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स क्या हैं इक्वालिटी इंटीग्रेशन जस्टिस डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन लोगों का कंसेंट ये सब चीज़ें प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी में आती हैं और इसको इस फेथ को शो करता है इंडियन पार्लियामेंट किस तरीके से क्योंकि इंडियन पार्लियामेंट में जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो किससे इलेक्ट किए जाते हैं जनता के द्वारा सो इट इज़ द पीपल हु इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दीज रिप्रेजेंटेटिव्स असेंबल इन पार्लियामेंट और वो गवर्नमेंट बनाते हैं और जो गवर्नमेंट है फिर वो लोगों के कंसेंट के हिसाब से काम करती है तो इसी बताया हुआ है कि इंडियन पार्लियामेंट लोगों का फ़ेथ दिखाती है कि डेमोक्रेसी में उनका फेथ है Okay, and these are participation by people in the decision making process and government by consent. That means कि लोगों का पार्टिसिपेशन होता है एक तो डिसीज़न मेकिंग में किस तरीके से लोग वोट डालते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं या ये कह लो कि गवर्नमेंट को अप्रूवल देते हैं अब जो अप्रूव्ड गवर्नमेंट हो गई वो लोगों के कंसेंट के हिसाब से काम करती है तो इस तरीके से लोगों का जो विश्वास है डेमोक्रेसी में वो और बढ़ जाता है और जो गवर्नमेंट है एंड जो लोग हैं वो मिलकर काम करते हैं द पार्लियामेंट इन अवर सिस्टम हैज़ इमेंस पावर जो पार्लियामेंट है उसके पास इमेंस पावर है बिकॉज क्यों क्योंकि इट इज़ द रिप्रजेंटेटिव ऑफ द पीपल क्योंकि ये जो पार्लियामेंट है दीज आर द रिप्रजेंटेटिव ऑफ़ पीपल जो भी इसमें मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं लोगों के द्वारा और पावर किसके हाथ में होती है जनता के हाथ में होती है और ये जनता किसको पावर देती है जिसको वो चाहती है जैसे कि जो जनता है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है जिनमें भी उनको विश्वास है और वो रिप्रेजेंटेटिव जब इलेक्ट हो जाते हैं वो लोगों के हिसाब से काम करते हैं एक आइडियोलॉजी लेकर चलते हैं तो इसीलिए जनता अपनी पावर जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में दे देती है गवर्नमेंट को अप्रूव करके ओके तो जैसे कि हमने लास्ट सेशन में अप्रूवल वर्ड पढ़ा था आपको याद नहीं है तो वो ज़रूर वीडियो देखना अप्रूवल का मीनिंग क्या था वो यहाँ पर बिल्कुल फिट होता है उसका मीनिंग इलेक्शन टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिसलेचर अब कहने का मतलब है कि जो पार्लियामेंट में इलेक्शन होते हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से होते हैं जिस तरीके से स्टेट लेजिसलेचर में होते हैं एंड स्टेट लेजिलेचर के इलेक्शन हमने सेवन्थ क्लास में पढ़े थे तो हमने सेवंथ क्लास में स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात की थी और अब हम एट्थ क्लास में सेंट्रल लेवल की बात कर रहे हैं तो सेंट्रल लेवल में जो गवर्नमेंट है दैट इज़ पार्लियामेंट और स्टेट लेवल में स्टेट लेजिस्चर तो जिस तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर में इलेक्शन होते हैं उसी तरीके से पार्लियामेंट में इलेक्शन होते हैं और हमने सिक्स क्लास में लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात किया था ठीक है तो तीनों क्लासेस में डिफरेंस है द लोकसभा इज़ यूजली इलेक्टेड वंस एवरी फाइव ईयर्स अब जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो उनका जो टेन्योर है वो ओनली फाइव ईयर्स के लिए होता है पाँच साल के बाद दोबारा से री इलेक्शंस होते हैं द कंट्री इज़ डिवाइडेड इंटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूएंसीज अब जो कंट्री है हमारी वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटी हुई है कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का मतलब है एरिया जैसे कि आपको पता है कि हमारी चीज़ दिखाई हुई हैं तो जो ये कॉन्स्टिट्यूवेंसीज़ होती हैं ये छोटी भी होती हैं बड़ी भी होती हैं और ये छोटी बड़ी इसलिए होती हैं ये जो मैं बना रही हूँ गोल गोल इसको आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज मानिए ठीक है अब ये छोटी बड़ी इसलिए होती है ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होती है जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज या जो एरिया होता है वो बड़ा बन जाता है और जहाँ पर कम पॉपुलेशन है वहाँ पर छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी बन जाती है अब हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक मेंबर इलेक्ट होता है जैसे यहाँ से भी एक मेंबर इलेक्ट हो गया यहाँ से भी हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक मेंबर इलेक्ट होगा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा एंड ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्युएंसीज मतलब हर एक कॉन्स्टिट्युएंसी से एक एक मेंबर इलेक्ट होगा एंड दैट पर्सन विल बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नेक्स्ट लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट द कैंडिडेट्स हु कंटेस्ट इलेक्शन अब जो कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शंस में खड़े होते हैं यूजुअली बिलोंग्स टू डिफ़रेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ वो अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं जैसे कि देखिए मैं आपको 41 पेज पर लेके चलती हूँ और 41 पेज पर जो मैप है उसको एक बार देखते हैं फिर आपको समझ आएगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आप लोगों के आगे एक प्रॉपर नक्शा बना के दिखाया हुआ है कि जो पूरा भारत है वो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटा हुआ है और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक मेंबर इलेक्ट होता है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है और वो लोकसभा के सदस्य होते हैं क्योंकि लोकसभा के जो चुनाव हैं उसमें जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं जो जनता द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वही लोकसभा के मेंबर होते हैं राज्यसभा के नहीं राज्यसभा में डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता लोगों के द्वारा ओके okay, तो लोकसभा में जो इलेक्शंस होते हैं वो लोगों द्वारा होते हैं जनता द्वारा होते हैं और जनता जिनको चुनती है हर एक कॉन्स्टिट्युएंसी से वो फिर लोकसभा के मेंबर बनते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं अब देखिए जो आ, हर एक कॉन्स्टिट्युएंसी है जैसे सपोज कीजिए ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसमें डिफरेंट डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज़ के कैंडिडेट्स होंगे मतलब हर एक कॉन्स्टिटुंसी में डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग खड़े होते हैं जैसे कि कोई बीजेपी से होगा कोई कांग्रेस से होगा कोई समाजवादी पार्टी से होगा कोई अदर माइनर पार्टी से होगा तो हर एक कॉन्स्टिटुंसीज़ में डिफरेंट डिफरेंट कैंडिडेट्स होते हैं जो अलग अलग, अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं और उन अलग अलग पार्टीज़ में से एक मैंबर एक पार्टी का मेम्बर इलेक्ट होता है जो मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट बनता है जैसे कि सपोज़ कीजिए यहाँ से कांग्रेस का मेंबर बन गया यहाँ से सॉरी uh, कांग्रेस का uh, जो मेंबर था वो इलेक्ट हो गया एंड यहाँ से जो बीजेपी का कैंडिडेट था वो इलेक्ट हो गया यहाँ से समाजवादी पार्टी का हो गया तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज से अलग अलग अब जो पार्टीज़ के मेंबर थे वो इलेक्ट हो गए अब वो पार्लियामेंट में बैठेंगे एंड दे विल फॉर्म गवर्नमेंट एंड आफ्टर दैट दे विल मेक लॉज अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द सिटीजन्स अब आप लोगों के आगे लोकसभा इलेक्शंस के रिज़ल्ट रखा हुआ है कि 1984 में क्या रिजल्ट रहा था लोकसभा का नेशनल पार्टी से कितने मेंबर थे उस टाइम पर एंड स्टेट पार्टी से कितने मेंबर आए थे तो हर एक कॉन्स्टिट्यूवेंसी से किस तरीके से मेंबर्स चुने गए और कितने कितने मेंबर्स चुने गए तो मेंबर्स कैसे चुने गए वोट डालकर चुना गया अब कितने कितने मेंबर चुने गए जैसे कि बीजेपी के दो थे अगर कांग्रेस की बात की जाए तो 404 थे उस टाइम पर इसी तरीके से अगर हम स्टेट पार्टीज़ की बात करें तो यहाँ पर स्टेट पार्टीज़ के जो इलेक्शंस है वो लिखे हुए हैं कि कितने कितने मेंबर हर एक पार्टी से इलेक्ट हुए थे और वो मेंबर फिर पार्लियामेंट में बैठे थे और यहां पर देखिए ग्रैंड टोटल लिखा हुआ है फाइव वन फोर तो पाँच सौ चौदह जो मेंबर्स थे वो इलेक्ट हुए थे लोकसभा के लिए हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक मेंबर इलेक्ट होता है एंड दीज कैंडिडेट्स बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो भी इलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं ये बनते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या फिर एम अब जो ये एम हैं ये साथ में मिलकर बनाते हैं पार्लियामेंट और जो ये इलेक्शंस होते हैं पार्लियामेंट के जब ये एक बार हो जाते हैं तो पार्लियामेंट को कुछ फंक्शंस फॉलो करने पड़ते हैं तो अभी हमने लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनके इलेक्शंस के बारे में पढ़ा राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो अलग तरीके से होते हैं वो भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे बट जब हम राज्यसभा की बात करेंगे तब हम उसको डिटेल में देखेंगे द पार्लियामेंट इन इंडिया कंप्राइजिज ऑफ प्रेजिडेंट एंड टू हाउसेज टू हाउसेज होते हैं राज्यसभा एंड लोकसभा अभी हमने लोकसभा के इलेक्शंस देखे जिसमें हमने ये देखा कि जो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें से एक एक मेंबर इलेक्ट होता है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं और वो होते हैं लोकसभा के मेंबर्स क्यों क्योंकि वो डायरेक्टली जनता के द्वारा चुने जाते हैं लेकिन अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के इलेक्शंस थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं उसको हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे बट वो अलग तरीके से होते हैं वो डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं चुने जाते ओके आफ्टर द लोकसभा अब लोकसभा के इलेक्शंस होने के बाद क्या किया जाता है एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है और उस लिस्ट में ये दिखाया जाता है कि कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी तो होती नहीं है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और मेंबर्स भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से बिलोंग करते हैं तो एक लिस्ट इसलिए प्रिपेयर की जाती है कि कितने कांग्रेस से बिलोंग करते हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी से बिलोंग करते हैं और अदर पार्टीज से बिलोंग करते हैं तो एक प्रॉपर लिस्ट तैयार की जाती है फॉर अ पोलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट अब किसी भी पोलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट तैयार करने के लिए गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए मेजॉरिटी होनी बहुत ज़रूरी है मेजॉरिटी किसकी इलेक्टेड मेंबर्स की जैसा कि हमने पढ़ा लोकसभा में 545 तो टोटल मेंबर्स होते हैं जिसमें से 543 इलेक्टेड होते हैं एंड टू नॉमिनेटेड होते हैं अब 543 इलेक्टेड कैसे होते हैं जो जनता के द्वारा चुने हुए जाते हैं और टू कौन होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं वो इंग्लिश पीपल जो इंडिया में आके बसे थे तो उनके लिए टू सीट्स रिजर्व की जाती है लोकसभा में ओके okay? अब 543 इलेक्टेड मेंबर्स हैं लोकसभा में अब इनमें से जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजॉरिटी होगी वो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी मेजॉरिटी के लिए उनको 272 या फिर 272 से ज़्यादा नंबर्स चाहिए लाइक like 272 से ज़्यादा मेंबर्स चाहिए क्यों चाहिए देखिए 543 का हाफ़ कीजिए 271.1 हो गया अब 271.1 से ज़्यादा कितने हो गए 272 तो 272 या 272 से ज़्यादा मेंबर्स एक पॉलिटिकल पार्टी के पास होंगे तभी वो मेजॉरिटी में आएगी और जो एक पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में आ गई एक्सेप्ट दैट पार्टी जो अदर रेस्ट पार्टीज हो गई वो अपोजिशन में होती है तो अपोजिशन का काम क्या होता है पार्लियामेंट में उनका काम होता है मेजॉरिटी पार्टी पर चेक्स रखना कि किस तरीके से काम कर रही है मेजॉरिटी पार्टी ठीक काम कर रही है या नहीं कर रही है और ऐसी चीज़ों पर ध्यान रखा जाता है कि क्या वो लोज ढंग से बना रही है लोगों की एस्पिरेशंस का ध्यान रख रही है तो ये सब काम होता है अपोजिशन पार्टी का और एक होती है कोयलेशन फॉर्म्ड पार्टी दैट मीन्स कि वो पार्टी जो गठबंधन से मेजॉरिटी में आई है उसे कोयलेशन फॉर्म्ड पार्टी कहते हैं कि अगर देखिए एक ए पार्टी है एक बी पार्टी है ए पार्टी के पास टू सिक्सटी टू मेम्बर्स हैं अब इसको मेजॉरिटी में आने के लिए टेन मोर मेम्बर्स की ज़रूरत है तो मेजॉरिटी में आने के लिए जब ए पार्टी दूसरी पार्टी के मेंबर्स को अपने साथ जोड़ लेती है तो वो गठबंधन की सरकार बन जाती है वो कोयलेशन गवर्नमेंट बन जाती है तो उसे कोयलेशन फॉर्म्ड गवर्नमेंट कहा जाता है द लार्जेस्ट अमंगस्ट दीज पार्टीज इज़ कॉल्ड अपोजिशन पार्टी अब एक्सेप्ट मेजोरिटी वाली जो पॉलिटिकल पार्टी है एक्सेप्ट दैट मतलब उसको छोड़कर जो अदर पार्टीज़ हैं अब उन पार्टीज़ में भी देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा मेंबर्स किसके पास हैं तो जिसके पास सबसे ज़्यादा मेंबर्स होते हैं वो अपोजिशन पार्टी कहलाती है जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं एक है बीजेपी कांग्रेस समाजवादी पार्टी एंड अदर पार्टी बीजे की बीजेपी के पास है 272 सेवेंटी अब ये तो आ गई मेजॉरिटी में और ये पॉलिटिकल पार्टी अब गवर्नमेंट तैयार गवर्नमेंट बनाएगी ठीक है और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास है 150 समाजवादी पार्टी के पास है 60 तो ऐसे करके अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास अलग अलग मेंबर्स हैं अब एक्सेप्ट दिस एक्सेप्ट द मेजोरिटी पॉलिटिकल पार्टी जो अदर पार्टीज़ बच गई हैं उसमें से सबसे ज़्यादा किसके पास मेम्बर्स है ये देखा जाता है तो जैसे मेम्बर्स हैं कांग्रेस के पास तो ये क्या हो गई अब अपोजिशन पार्टी हो गई तो ये एक एग्ज़ैम्पल था वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज़ टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है लोकसभा का वो होता है एग्जीक्यूटिव को सेलेक्ट करना अब एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं एग्जीक्यूटिव वो मे ग्रुप होता है उन पर्सन का ग्रुप होता है जो लॉज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं और कौन कौन से लॉज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है उन लॉज़ को जो लॉज पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं तो डिफरेंस समझना पार्लियामेंट मेक द लॉज एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट द लॉज अब जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं और इस टर्म से ही हमें समझ इस टर्म को ही हम गवर्नमेंट के लिए यूज़ करते हैं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी इन लोकसभा अब लोकसभा में जो रूलिंग पार्टी है जो मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी है उसके लीडर होते हैं प्राइम मिनिस्टर अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने ही बिलोंग पार्टी से मतलब जो उनकी अपनी पार्टी होती है या जो उनकी पार्टी से बिलोंग करते हुए मेंबर्स होते हैं उनमें से जो प्राइम मिनिस्टर है वो कुछ लोगों को चुनता है अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए क्यों क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अकेले काम तो कर नहीं सकते तो हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक एक बंदे को चुना जाता है जैसे कि हेल्थ के लिए अलग ले लिया एजुकेशन के लिए अलग फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए अलग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए अलग तो इस तरीके से एक एक मेंबर को सेलेक्ट कर लिया जाता है फॉर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट और सेलेक्ट इसलिए किया जाता है ताकि जो भी प्राइम मिनिस्टर ने डिसीजंस लिए हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके ओफन टाइम्स इन रिसेंट पास्ट इट हैज़ बीन डिफिकल्ट फॉर अ सिंगल पार्टी टू गेट द मेजोरिटी अगर हम रिसेंट पास्ट को देखें तो अभी सिंगल पार्टी के पास ये बहुत डिफ़िकल्टी रही है कि वो मेजॉरिटी में आए क्योंकि बिना कोयलेशन के मेजॉरिटी में गवर्नमेंट आ ही नहीं रही है तो रिसेंट पास्ट का सर्वे ये बताया गया है कि एक सिंगल पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आ रही या आना बहुत डिफ़िकल्ट है कि गवर्नमेंट को बनाया जा सके तो उसके लिए क्या किया जाता है दे देन जॉइन टुगेदर विद डिफरेंट political पार्टी अब जो पार्टी मेजोरिटी में नहीं आई है और उनको मेजोरिटी में आना है उनको कुछ मेंबर्स की जरूरत है तो क्या होता है कि वो अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने साथ जोड़ लेते हैं लेकिन वो जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके भी सिमिलर कंसर्न होते हैं सेम आइडियोलॉजीज़ होती हैं तब जाकर वो एक दूसरे से जुड़ते हैं और फिर बनती है कोलेशन गवर्नमेंट जैसे कि मैंने बताया 262 मेंबर हैं ए पॉलिटिकल पार्टी के पास और बी सी डी या अदर अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अब इनको टेन मेंबर्स और चाहिए ताकि ये मेजॉरिटी में आ जाएं और गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकें तो इन्होंने डी पार्टी से कोईलेशन कर लिया गठबंधन बना लिया तो ये मेजॉरिटी में आ गए और फिर गवर्नमेंट तैयार हो गई लेकिन जब ये कोयलेशन में आते हैं दैट मीन्स इन दोनों की जो आइडियोलॉजीज़ हैं वो सेम हैं या कंसर्न्स सेम हैं कि ये किस तरीके से काम करना चाहते हैं तो दोनों के थॉट प्रोसेस सेम होते हैं तब एक सरकार बन जाती है कोईलेशन में आगे बात करते हैं राज्यसभा के बारे में राज्यसभा फंक्शंस एज द रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब जो राज्यसभा है वो रिप्रेजेंटेटिव की तरह फंक्शन करती है पार्लियामेंट में और किसको रिप्रेजेंट करती है स्टेट्स ऑफ इंडिया को और जो लोकसभा है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं आम नागरिक को आम जनता को सिटीजन्स ऑफ इंडिया को सो राज्यसभा रिप्रजेंट्स स्टेट्स ऑफ इंडिया राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशियट लैजिस्लेशन एंड अ बिल इज रिक्वायर टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ दैट मीन्स कि राज्यसभा किसी भी बिल को या किसी भी ड्राफ्ट को इनिशिएट कर सकती है लेकिन अगर कोई बिल उस बिल को अगर लॉ बनाना है तो वो बिल राज्यसभा से पास होना बहुत जरूरी है सो इट इज़ देअ फोर राज्यसभा हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ रिव्यूइंग एंड ऑल्टरिंग जो राज्यसभा है इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है रिव्यू करना एंड ऑल्टर करना किसको जो ड्राफ्ट है जो लॉ है उसको या फिर जो बिल है उसको रिव्यू करती है एंड ऑल्टर करती है अब जो भी बिल लोकसभा से पास हो गया है या जो भी बिल लोकसभा ने इनिशिएट कर दिया तो उस बिल को राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा उस बिल को रिव्यू करती है ऑल्टर करती है अगर ऑल्टर की जरूरत होती है तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत होती है तो और उसके बाद उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है फिर प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं फिर वो जो पर्टिकुलर ड्राफ्ट है या जो पर्टिकुलर बिल है फिर वो साइन करने के बाद लॉ के रूप में तैयार हो जाता है और फिर इन लॉज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है एग्जीक्यूटिव के थ्रू अब जो मेंबर्स हैं राज्यसभा के वो कैसे इलेक्ट किए जाते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ लेजिस्लेटिव असेंबलीज में कौन होते हैं जो एम होते हैं जो विधानसभा के मेंबर होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर्स की जो नंबर हैं वो दिए गए हैं तो कितने मेंबर्स होने होते हैं इलेक्टेड 233 एंड 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं ये तो है प्रेजेंट सिनेरियो की कितने अभी आज के टाइम पर राज्यसभा में मेंबर हैं तो टोटल मिलाकर हो गए 245 लेकिन मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं 250 हो सकते हैं तो 250 में से 238 जो हैं वो विधानसभा से चुने जाते हैं एम से चुने जाते हैं लेकिन जो बच गए ट्वेल्व वो प्रेजिडेंट नॉमिनेट करता है और ये जो ट्वेल्व जो मेंबर्स होते हैं ये किसी न किसी फील्ड में एक्सपर्टीज़ होते हैं या तो साइंस में टेक्नोलॉजी में सोशल साइंस में लिटरेचर में आर्ट एंड कल्चर में तो इन एक्सपर्टीज़ को नॉमिनेट किया जाता है और अगर मैं लोकसभा एंड राज्यसभा के डिफरेंस की बात करूं तो लोकसभा टेम्प्रेरी होता है राज्यसभा परमानेंट होता है लोकसभा में जो चुनाव होता है वो वो होते हैं ई मशीन के थ्रू और जनता चुनाव करती है लेकिन अगर राज्यसभा की बात करें तो वो होते हैं पेपर्स के थ्रू उसमें ई मशीन नहीं यूज़ की जाती है और जो राज्यसभा में चुनाव होते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं ऑलरेडी इलेक्टेड जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके द्वारा और टेन्योर की बात की जाए तो लोकसभा का टेन्योर है एवरी फाइव ईयर्स री इलेक्शन होते हैं और राज्यसभा में जो इनका टर्म है वो है सिक्स ईयर्स लेकिन राज्यसभा में क्या होता है तो राज्यसभा का जो टर्म है दैट इज़ फॉर सिक्स ईयर्स एंड जो राज्यसभा है उसमें हर दो साल बाद वन थर्ड मेंबर रिटायर हो जाते हैं तो जब वन थर्ड मेंबर रिटायर हो गई वो सीट खाली हो गई तो वहाँ पर जो भी रिटायर्ड मेंबर की सीट खाली हुई है उसमें नए जो मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट कर दिया जाता है बाई इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबलीज अब हम ये देखते हैं कि जो पार्लियामेंट है वो किस तरीके से गवर्नमेंट को कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म करता है सो द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगेंस विद क्वेश्चन आर तो पार्लियामेंट का जब भी कोई सेशन स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन आर से शुरू होता है क्वेश्चन आर में क्या होता है कि जो एम हैं वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछते हैं और गवर्नमेंट फिर उनको जवाब देते हैं सो द क्वेश्चन आर इज़ एन इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म ये क्वेश्चन आर बहुत इम्पोर्टेंट मीडियम है जिसके थ्रू जो एम हैं दे कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन हाउ अबाउट द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है एंड कैसे काम कर रही है कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से किसी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट uh, किया है किस uh, किसी तरह किस तरीके से गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाए हैं एंड प्लानिंग तैयार की है या पॉलिसी तैयार की है तो ऐसी चीज़ें या इन चीज़ों से रिगार्डिंग एम पीज़ कैन आस्क द क्वेश्चन एंड दे केन रेज द इशू टू द गोरमेंट एंड दे कैन आस्क एनी थिंग वट दे वॉन्ट टू नो एंड गवर्मेंट इज़ आंसरेबल टू द एम पीज एज वेल सो बाई दिस सेशन जो ये क्वेश्चन आर का सेशन होता है इसके थ्रू जो पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल करती है एंड बाई आस्किंग क्वेश्चन गवर्नमेंट को भी ये पता चलता है कि जो उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अगर कहीं पर उन क्वेश्चंस के थ्रू गवर्नमेंट को ये लगता है कि उनके अंदर शॉर्टकमिंग्स है उनकी किसी पॉलिसीज़ के अंदर शॉर्टकमिंग्स है या किसी इवेंट या प्लानिंग के अंदर शॉर्टकमिंग्स है उसको लेकर गवर्नमेंट इन्फॉर्म हो जाती है प्लस गवर्नमेंट ऑल्सो कम्स टू नो अबाउट द ओपिनियन ऑफ द पीपल थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट क्योंकि देखिए जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं वो जनता को रिप्रेजेंट करते हैं क्यों क्योंकि वो जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं तो जनता के ओपिनियन कौन रखता है आगे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ओके okay, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं तो गवर्नमेंट को क्वेश्चन आर में अपनी शॉर्टकमिंग्स भी पता चलती है प्लस लोगों के व्यूज पता चलते हैं उनके ओपिनियन पता चलते हैं कि जनता क्या चाहती है एंड आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ़ द गवर्नमेंट इज़ अ क्रूशियल टास्क फॉर एवरी एमपी हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है द अपोजिशन पार्टीज प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ आर डेमोक्रेसी साथ ही साथ क्वेश्चन आर के अलावा गवर्नमेंट पर जो कंट्रोल रखते हैं वो होते हैं अपोजिशन पार्टी जो अपोजिशन पार्टी है वो भी एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है और वो क्वेश्चंस रेज करती है गवर्नमेंट से और चेक्स रखती है कि क्या गवर्नमेंट ढंग से काम कर रही है करप्शन तो नहीं हो रहा ऐसी चीज़ों का ध्यान रखती है जो अपोजिशन पार्टी होती है दे हाई ड्रॉबैक्स इन वेरियस पॉलिसीज़ और जो भी गवर्नमेंट की वेरियस पॉलिसीज़ हैं प्रोग्राम्स हैं उनकी कमियां कौन गिनवाता है अपोजिशन पार्टी एंड मोबिलाइज़ पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ओन पॉलिसी और जो अपोजिशन पार्टी है वो तरह तरह की रैली करते रहते हैं तरह तरह से मोबिलाइज़ करते रहते हैं ताकि उनकी खुद की तो पॉलिसीज़ जो हैं उनको पब्लिक सपोर्ट मिल पाए समझ गई बात तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट है उस पर कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म किया जाता है

इट इज़ कैप्टोनिट स्टोर्स दैट मीन्स की जो गोरमेंट है वो एक्टिव भी रहती है कैप्टोनिट स्टोर्स का मतलब होता है एक्टिव रहना चुस्त रहना किसी काम में ये एक फ्रेज है तो ये फ्रेज यहाँ पर यूज़ किया गया है तो गोरमेंट जो है वो क्वेश्चन आर्स की वजह से फीडबैक भी लेती है लोगों की ओपिनियन भी जानती है और एक्टिव भी रहती है साथ ही साथ अगर कोई फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स होते हैं उसमें पार्लियामेंट का अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी होता है और इसी तरीके से पार्लियामेंट गवर्नमेंट पर गवर्नमेंट uh, पर कंट्रोल करती है गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करती है कि लोग क्या चाहते हैं एंड गवर्नमेंट को गाइड करती है अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं लॉ मेकिंग इज़ अ सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट पार्लियामेंट का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है दैट इज़ लॉ मेकिंग जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होता है यहाँ पर वो ये है कि पार्लियामेंट में कौन लोग हैं अगर हम आज़ादी से पहले की बात करें सो बिफोर इंडिपेंडेंस हमने ये देखा कि कुछ ही लोग हैं जो पार्लियामेंट में या फिर जो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं जैसे कि जिनके पास या तो खूब सारा पैसा है या अपनी प्रॉपर्टी है या एजुकेटेड लोग जो हैं या फिर जो एलिट क्लासेस से बिलोंग करते हैं तो इन इन कुछ ही लोगों के पास राइट्स थे लेकिन आज के टाइम पर अगर हम देखें या आफ्टर इंडिपेंडेंस बात करें तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जिसका प्रिंसिपल यह है कि जो 18 या 18 से अबव एज के एडल्ट्स हैं उनके पास राइट right है कि वो वोट दें इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें एंड रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करें प्लस उनके पास ये भी राइट्स right है कि वो इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं एज अ कैंडिडेट वो लड़ सकते हैं चुनाव को तो पार्लियामेंट में आज डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग दिखते हैं या तो बात की जाए रूरल बैकग्राउंड की जो गांव से बिलोंग करते हैं जो देहात से बिलोंग करते हैं या फिर जो अलग अलग रीजनल पार्टीज़ के लोग हैं वो भी देखने को मिलते हैं पार्लियामेंट में साथ ही साथ उन लोगों की भी संख्या बढ़ती जा रही है जो दलित्स हैं या फिर जो बैकग्राउंड कास्ट के लोग हैं या जो माइनॉरिटीज़ हैं अब बात करते हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप की मार्जिनलाइज ग्रुप वो कम्युनिटी है जिनको मेन स्ट्रीम से बाहर निकाला हुआ है या जो आज तक भी डेवलप नहीं हुए या जिन लोगों को जो सोसाइटी है वहाँ से एक्सक्लूड किया हुआ है और आज भी वो डेवलप नहीं है तो ऐसे लोगों को मार्जिनलाइज्ड कहा जाता है या ऐसी कम्युनिटी को मार्जिनलाइज्ड कहा जाता है तो देखिए मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स हैं इनके लिए भी सीट्स रिजर्व हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा साफ साफ लिखा हुआ है कि जो इन जगह से जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं या मार्जिनलाइज्ड प्लेस हैं इन कम्युनिटी या प्लेस से फैमिलियर है वही लोग इनके बिहाफ़ पर चुनाव लड़ेंगे तो ऐसा ऑब्ज़र्व किया गया है कि जो डेमोक्रेसी के रिप्रेजेंटेटिव्स है वो हर एरिया को सोसाइटी के हर सेक्शन को अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते या परफेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते तो ऐसा रियलाइज़ किया गया कि जब इंटरेस्ट और जो एक्सपीरियंस होते हैं इंटरेस्ट का मतलब है जो हमारे हित होता है और एक्सपीरियंस का मतलब होता है जो हमारा अनुभव होता है तो जब इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस डिफरेंट हो जाते हैं अलग अलग होते हैं तो एक समूह के लोग आ, सभी के हित के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते आ, क्योंकि एक समूह के लोगों को हर एक इंसान की सेंटिमेंट्स का नहीं पता होता अब जैसे कि देखिए अब जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लोग हैं अब जो रिप्रेजेंटेटिव इस कम्युनिटी से फैमिलियर होगा वही इनके दर्द को समझ सकता है और जो दूसरी सोसाइटी के लोग होंगे जब ये आज तक अगर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से मिले नहीं होंगे उनसे बात नहीं करी होगी उनसे फैमिलियर नहीं होंगे तो इनको उनके दुख का दर्द का कुछ नहीं पता होगा तो कहने का मतलब है जब हमारे हित तो और अनुभव अलग अलग हो जाते हैं जब हमारे इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं ना तो एक समूह के व्यक्ति सब के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते तो इसी चीज़ को ध्यान में रखा गया और कुछ सीट्स रिजर्व की गई एंड कुछ एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशंस किए गए फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी तो क्या किया गया कि कुछ सीट को रिज़र्व किया गया पार्लियामेंट में एस एंड एस के लिए क्योंकि यही लोग हैं जो उस कम्य अपनी कम्युनिटी के लोगों को या अपनी कम्युनिटी के लोगों की तरफ से आवाज़ उठा सकते हैं क्योंकि ये अपनी कम्युनिटी में या अपनी सोसाइटी से फैमिलियर होते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये साफ़ है कि जो एम इलेक्ट होंगे वो इन कॉन्स्टिट्यूंसी से फैमिलियर होने चाहिए ताकि वो अच्छे से दलित एंड आदिवासी के इंटरेस्ट को पार्लियामेंट में उठा सकें और दलित एंड आदिवासीज़ का अच्छे तरीके से डेवलपमेंट कर सकें तो जिस तरीके से हमने मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के बारे में देखा तो विमेन भी इसी कुछ कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं किस तरीके से देखिए विमेन की जो पॉपुलेशन है ज़्यादा है वो लेकिन फिर भी इनके पास जो पार्लियामेंट में सीट्स हैं वो उतनी नहीं है सफिशेंट नहीं है हालांकि होनी चाहिए पार्लियामेंट में 50 परसेंट सीट्स फॉर वेमेन लेकिन अगर हम आज के टाइम की बात करें तो ओनली 9 परसेंट सीट्स रिज़र्व हैं वीमेन के लिए लेकिन अगर हम 60 साल पहले की बात करें तो उस टाइम पर ओनली 4 परसेंट मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट की सीट्स रिज़र्व थी विमेन के लिए और इतने सालों के बाद भी 60 साल बाद भी ये जो परसेंटेज है ये फोर टू नाइन ही गई है और होनी फिफ्टी परसेंट चाहिए थी लगभग तो कहने का मतलब है कि विमेन की पॉपुलेशन के हिसाब से यह परसेंटेज बिल्कुल कम है तो इसीलिए इनको सीट्स रिजर्व करने के लिए आ, कुछ सजेशंस दिए गए हैं और इन इश्यूज़ पर आज भी डिबेट होता है तो जो भी ये इश्यूज़ हैं जैसे हमने बैकवर्ड कास्ट का देखा एस सी का देखा दलित्स के बारे में देखा विमन के बारे में देखा मार्जिनलाइज कम्युनिटी के बारे में देखा तो ऐसे इश्यूज कुछ अनरिजोल्व क्वेश्चन अराइज़ करते हैं जिनका सोल्यूशन फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल है और फिर क्वेश्चन ये आता है क्या हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम सच में रिप्रेजेंटेटिव है तो हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं और ऐसे क्वेश्चंस का जवाब ढूंढने की कोशिश भी कर रहे हैं तो हम जो ये क्वेश्चन पूछते हैं या कोशिश कर रहे हैं आंसर्स ढूंढने की ये जो चीज़ें हैं ये जो बातें हैं ये लोगों की स्ट्रेंथ एंड फेथ दिखाती हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो एक बार इस चैप्टर को समअप कर लेते हैं कि हमने स्टार्टिंग से अभी तक पढ़ा क्या है तो हमने फ़र्स्ट पेज पर यह पढ़ा कि हम सभी इंडियंस इस चीज़ पर गर्व महसूस करते हैं कि हम डेमोक्रेसी का हिस्सा हैं फिर हमने ये देखा कि जो पार्लियामेंट है वो किस तरीके से गवर्नमेंट पर कंट्रोल करती है एंड पार्लियामेंट अनेबल सिटीजन्स ऑफ़ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग कि सभी सेक्शंस के लोग आगे आए और डिसाइड करें कि उन्हें कौन रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए गवर्नमेंट में फिर हमने ये देखा वाई शुड पीपल डिसाइड कि लोगों को निर्णय क्यों लेना चाहिए उसके पीछे रीजन ये था कि एक तो जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई उसमें सभी बैकग्राउंड के लोग थे और ये लड़ाई काफ़ी लंबी थी और उस टाइम पर कुछ नेशनलिस्ट के माइंड में कुछ आइडियाज़ थे फ्रीडम इक्वलिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग ये आइडियाज़ लिए गए कहाँ से एक तो स्ट्रगल से प्लस कोलोनियल रूल से क्योंकि कोलोनियल रूल के अंडर में किसी के पास किसी चीज़ की आज़ादी नहीं थी लोगों के बीच में इक्वालिटी नहीं थी अगर हम 1885 की बात करें बिफोर इंडिपेंडेंस उस टाइम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उन्होंने डिमांड किया ब्रिटिशर्स के आगे कि हमारे भी इंडिया के भी कुछ मेंबर्स लेजिस्लेचर में होने चाहिए ताकि बजट पर डिस्कस हो सके एंड वो पुट अप कर सकें तो इस चीज़ के रिस्पॉन्स में एक एक्ट एक और पास किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में और इसे मोरलेमेंटो एक्ट भी कहा जाता है वो मैं बताऊंगी कि क्यों कहा जाता है पहले तो बात करते हैं कि नाइनटीन नाइन एक्ट किस बारे में था तो जो कांग्रेस ने डिमांड की थी उसके आ, उसके रिस्पॉन्स में 1909 एक्ट में अलाउ किया गया कि हाँ कुछ लोग लेजिस्लेचर में आ सकते हैं बट कुछ ही लोगों को वो राइट दिए जाएंगे तो किन लोगों को वो राइट दिए गए थे जो लोग एलिट क्लासेस से थे या जिनके पास प्रॉपर्टी थी या जो एजुकेटेड लोग थे तो अब इसका नाम मिंटो इसलिए रखा गया क्योंकि जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तब आपको देखने को मिलेगा कि ब्रिटिश ऑफिशियल रूल करते थे ना जो उनके अंडर में जो भी एक्ट पास होता था वो उनके नाम से ही पास होता था तो उस टाइम पर गवर्नर जनरल थे मोरले और जो सेक्रेटरी थे वो थे मिंटो तो इसी इस एक्ट का नाम रखा गया मिंटो एक्ट ये जो है इस बुक में लिखा नहीं हुआ है तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी फिर हमने पढ़ा पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स की जो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड होते हैं जो जनता द्वारा चुने जाते हैं उनको लोगों के कंसेंट पर काम करना पड़ता है कि लोगों की क्या डिज़ायर्स हैं क्या अप्रूव करते हैं लोग एंड लोगों का पार्टिसिपेशन और फिर हमने ये देखा कि किस तरीके से जो पार्लियामेंट है वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है एंड गाइड करती है फिर हमने रोल ऑफ पार्लियामेंट में पढ़ा कि जो पार्लियामेंट का रोल है वो क्या है लोकसभा के बारे में पढ़ा राज्यसभा के बारे में पढ़ा लोकसभा के बारे में राज्यसभा के बारे में मैंने आपको डिफरेंस अच्छे से बता दिया था एक बेसिक डिफरेंस जो है वो दोबारा बता देती हूँ कि लोकसभा रिप्रेजेंट्स द सिटीजन्स ऑफ़ इंडिया एंड राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स ऑफ इंडिया फिर हमने लोकसभा के मेंबर्स के बारे में बात किया कि किस तरीके से चुनाव होता है वो लोकसभा के जो भी मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड होते हैं जनता के द्वारा लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं जो एम होते हैं वो राज्यसभा के मेम्बर्स को चुनते हैं फिर हमने देखा कि किस तरीके से जो पार्लियामेंट है वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है गाइड करती है एंड इन्फॉर्म करती है जिसमें हमने अपोजिशन का रूल भी बहुत इम्पोर्टेंट देखा और क्वेश्चन आर के बारे में पढ़ा कि पार्लियामेंट सेशन में क्वेश्चन आर कितना इंपॉर्टेंट होता है फिर हमने ये देखा कि जो पार्लियामेंट है पार्लियामेंट में कौन कौन से बैकग्राउंड से लोग आगे आए हैं और लोगों की क्या आइडियोलॉजीज हैं और किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने सभी एरियाज ऑफ सोसाइटी को या सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लोगों को रखा है प्रायोरिटी पे और फिर हमने देखा कि हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट कि पार्लियामेंट में कौन कौन लोग हैं बिफोर इंडिपेंडेंस क्या कौन लोग होते थे एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस किस तरीके से सरकमस्टांसिस चेंज हुए जिसमें हमने देखा कि पार्लियामेंट में डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग हैं फिर हमने ये देखा कि मार्जिनलाइज कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए उन्हीं लोगों को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चुना जाएगा जो लोग कम, उन उस कम्युनिटी से फैमिलियर होंगे फिर हमने व्यूमेन की पोजीशन के बारे में देखा कि कितनी जो पार्लियामेंट में सीट्स उनके लिए रिजर्व हैं बट हमने जो भी ये इश्यूज़ पढ़े कि जो एस सी एस टी हैं मार्जिनलाइज कम्यूनिटी के लोग हैं इनके इनको आज तक भी डेवलप नहीं किया गया है तो ऐसे जो इश्यूज़ हैं वो क्वेश्चंस ये उठाते हैं कि क्या वाकई में जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है क्या ये रिप्रेजेंटेटिव है तो इस तरीके के जो इश्यूज़ हैं इसके क्वेश्चंस हम ढूंढते आ रहे हैं लेकिन हम जो ये क्वेश्चंस पूछते हैं या क्वेश्चंस ढूंढने की या आंसर्स ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं ये भी एक चीज़ ये दिखाती है कि हम आज भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में विश्वास रखते हैं तो आज का ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं आपको सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और अगर आप चाहते हो मेरी वीडियो को तो प्लीज़ आप लाइक करिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी देख पाएँ और आप लोग कॉमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग साइड प्रियंका गौर आई विश यू ऑल द बेस्ट कीप लर्निंग थैंक यू